अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और ये हफ्ता बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे, बिकॉज आने वाला रमज़ान शरीफ मैं चाह रही हूँ कि आप लोग कुछ मुख्तलिफ बनाएँ, कुछ नया बनाएँ। अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हर किसी का, हर घर का दस्तरखान बहुत वसी रखे और आप सबको सेहत कामला आजला दे, ताकि आप नई नई चीज़ें बनाएं और खिला सकें। लेकिन चूँकि ये नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रमज़ान, लेकिन वैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारा जो मज़हब है वो क्या कहता है कि एक तो आपको ज़िया नहीं करना है अननेसेसरली, ये नहीं कि आपने भरते गए बनाते गए बनाते गए। देखें, इतना बनाएं जितना आपके घर में आपके नौकरों को, आसपास को, मस्जिद में भेजना होता है, मतलब इतना बनाएं कि वो सब पूरा हो जाए। ऐसा भी ना हो कि वो ज़िया हो, वो उसकी भी बहुत पूछ है। ज़ाहरी बात है, अगर आप कोई चीज़ वेस्ट करेंगे तो वो अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, उसका भी हमें जवाब देना है। आप यहाँ पे देखते हैं मैं एक एक चीज़ अपने प्याले से स्पैचुला की मदद से पोंछती हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और जब भी आप कोई नई चीज़ बनाते हैं तो हमेशा अपने से नीचे वालों का ज़रूर ख्याल रखा करें। ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। जब भी मेरे घर पर नया फ्रूट आता है सीज़न का, जब भी हम नया फ्रूट मैं अपने घर पे लेके आती हूँ, कोई भी फ्रूट हो, जब सीज़न का पहला फल घर आता है, पहले आप अपने नौकरों को खिलाएं, फिर आप खुद खाएं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। ये भी एक किस्म का सदका है। आपको पता है सदका सिर्फ पैसे देने से सदका नहीं होता, सदके की बहुत सारी किस्में हैं। सदका आप अगर किसी को हंस के बात कर दें वो भी सदका है। अगर आपने किसी के साथ किसी को जाके आपने somebody is sick, ठीक है, कोई बीमार है और आप जाते हैं उसको मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, वो भी एक किस्म का सदका है। अगर आप चल रहे हो और अगर रास्ते में कोई कचरा पड़ा हुआ है, आपने उसको उठा के साइड पे रख दिया कि उससे किसी को तकलीफ़ ना हो जाए, कोई गिर ना जाए, वो भी एक किस्म का सदका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखें। आने वाला महीना पे अगर हम एक नेकी करते हैं तो उसको हमें, उसको 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करके अल्लाह ताला उसका अजर देगा हमें। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये आने वाला महीना हम सब के लिए रहमतें, बरकतें, खुशियां लेके आए और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से अल्लाह पाक चाहते हैं उस तरह से हमें इबादत करने की और काम करने की और देने की और तौफीक अता फरमाए। बिकॉज इस महीने में आप जितना देंगे ना, इट कीप्स मल्टीप्लाइंग और वो खाली नहीं जाएगा कभी भी। आप एक हाथ से देंगे अल्लाह ताला आपको नवाजते चले जाएंगे। आप ये आप बात आज लिख लीजिए, इस महीने में तो आप कंजूसी बिल्कुल नहीं करिए। अगर आप आम दिनों में 5 रुपये देते हैं तो इस महीने में आप 100 रुपये दीजिए, ठीक है। चलें जी, आज का मेन्यू बहुत ही मज़े का, 4 चीज़ें। खैर, एक तो ड्रिंक है, मैंडरिन शेक बनाएंगे, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि आपके घर में, मतलब अपने घर में टेबल पे कोई नई ड्रिंक होनी चाहिए रोज़। और आपको ढेर सारी हमने सिखाई हैं, वो जो लाल शरबत तो हर कोई घोल लेता है, तो वो नहीं, कुछ नया बनाएं हर रोज़, अच्छा लगता है। कोल्ड कॉफ़ी बनाएं, सीज़न इतना गर्म हो रहा है, कोल्ड कॉफ़ी बनाएं, कुछ शेक्स बनाएं, लस्सी, डिफरेंट असॉर्टेड लस्सीज बनाएं। अभी कैरियाँ आ गई हैं, आम का पन्ना बनाएं, आम का शेक, मतलब कैरी का शेक बनाएं। इस तरह से बहुत कुछ है, तो नया नया करें, ठीक है। तो आज हम मैंडरिन शेक करेंगे और इसमें कोई इत्तेफाक से फ्रूट नहीं डलेगा, जूसेस से बनेगा ये, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। और आज का हमारा मेन्यू क्या है, चाइनीज़ स्टाइल पोटैटोज़ हैं, क्रंची पास्ता बॉल्स हैं, मैंडरिन शेक है और चाइनीज़ चिकन पकोड़ा है। चूँकि आज बुध वाला दिन है और हमारे साथ सूरी है, आपको पता ही है सूरी की ऐसी सॉसेज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतरीन है, बेहतरीन।
तो आपने भी सूरी का इंतखाब करना है और सूरी की सॉसेज लाइए और उससे ही जो मैं चीज़ें बना रही हूँ आप भी बनाइए। हलाल प्रोडक्ट्स हैं, थाईलैंड का प्रोडक्ट है, टोटली हलाल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और सूरी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वो की हुई हैं, कॉपी की हुई हैं, लेकिन वही बात है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा। आप जितना भी कॉपी कर लो, आप जितना भी किसी को छाप लो, वो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज सबको पता है कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का स्टार्टिंग लेते हैं। शो की पहली रेसिपी मेरे सामने रखी हुई है, मैं चाह रही थी इसको मैं लास्ट करूं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इसको हम पहले कर देते हैं बिकॉज सामने पड़ी हुई है चाइनीज़ चिकन पकौड़ा, ठीक है। और इसके लिए आप इसके दो, एक्चुअली मैं इसको बनाऊंगी मतलब मिक्स करूंगी और फिर इस तरह से हम पकौड़े की तरह डालेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप चाहो तो क्रिस्पी फ्राई भी थोड़ा सा लगा के और उसके साथ भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं क्रिस्पी फ्राई अपने पास्ता बॉल्स में करूंगी यूज़, और दोनों तरीके आपको बताऊंगी, ठीक है। चलें मैं प्याला ले लेती हूँ। ओके, चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 1, सीना देखिए, क्यूब्स देखिए कितने छोटे छोटे हैं, ये देखिए मुन्ने मुन्ने पीसेस काटने हैं आपको एक मुर्गी के सीने के। इसमें हम डालेंगे इटालिया का स्वीट कॉर्न 1/2 कप, शुक्र है देख लिया, पानी इसमें उसका वो था 1/2 कप इटालिया का स्वीट कॉर्न चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे बंद गोभी बारीक चॉप्ड या स्लाइस्ड, एक गाजर जाएगा कद्दूकस किया हुआ, बड़ा था तो 1/2 ले लीजिए, छोटा है तो 1 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हरी प्याज 2 लंबी पूरी लेनी है आपको, उसका पीछे का हिस्सा भी और फ्रंट भी, 2 हरी प्याज चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 चॉप्ड, ठीक है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून या 1/2 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इटालिया का ही इसमें डालेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून, के 1/2 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूरी की डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सूरी कंपनी की डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका विनेगर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ईच, उसका इटालिया का ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, बिल्कुल भर के लीजिएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, सूरी की
1 टेबलस्पून ये चली गई, मैदा जाएगा इसमें 5 टेबलस्पून, मैदा चला गया, कॉर्नफ्लावर जाएगा इटालिया का 4 टेबलस्पून हीट, और इसमें जाएगी 1 अंडे की सफेदी। ठीक है, 4 टेबलस्पून हमारा चला गया इटालिया का कॉर्नफ्लावर, 1 अंडे की सफेदी जाएगी, ये चली गई, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम बनाएंगे थिक सा बैटर। यहाँ पे हम तेल चढ़ा रहे हैं अपनी डीप फ्राइंग के लिए। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं आके हम इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आज हम मसाला मॉर्निंग्स में आपको आमद रमज़ान की तैयारी करा रहे हैं पूरा हफ्ता, और पहली रेसिपी जो हमने अभी मिक्स की है वो है चाइनीज़ स्टाइल के पकोड़े। और उसके लिए मैंने रिकैप कर देती हूँ आपको, मैंने लिया था 1 मुर्गी का सीना, उसको बहुत मुन्ने मुन्ने से क्यूब्स में काट दिया, स्वीट कॉर्न 1/2 कप, बेकिंग पाउडर, देखा बेकिंग पाउडर नहीं डाला, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, इटालिया का बेकिंग पाउडर चाहिए हमें, बख्तियार का है बेकिंग पाउडर, इधर भाई दो आपको भी, अच्छा बेकिंग पाउडर नहीं, देखें ये होता है, एक दफ़ा चेक कर लिया करें। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा, कैबेज चला गया 1 कप, गाजर चला गया आधा, अगर बड़ा है तो कद्दूकश करके, और अगर छोटा है तो 1 डाल दीजिए, हरी प्याज 2 पूरी चॉप्ड, हरी मिर्चें 2 चॉप्ड, लहसुन इटालिया का पिसावा 1 टीस्पून, डार्क सोया सॉस सूरी की 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ईच, ब्लैक पेपर भी मैंने इटालिया का यूज़ किया है। उसके बाद में मैंने इसमें सूरी की डाली है, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, मैदा 5 टेबलस्पून हीट, कॉर्नफ्लावर इटालिया का 4 टेबलस्पून हीट, 1 अंडे की सफ़ेदी, और इसमें मैंने शामिल किया है थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप पानी, ये देखें इसका इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, और अंडे की सफेदी गई थी, ये मैंने जर्दी अलग कर दी है। बेटा जल्दी दे दो, तेल हमने डीप फ्राइंग के लिए चढ़ाया, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, इटालिया के पास 3 किस्म के ऑयल हैं, एक एक्स्ट्रा लाइट, एक एक्स्ट्रा वर्जन और एक पामेस। पामेस ऐसा तेल है जो हर चीज़ में यूज़ हो जाता है, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो शैलो फ्राइंग हो, चाहे वो डीप फ्राइंग हो, हर चीज़ में यूज़ हो जाता है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं श्री आप? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ माशाल्लाह से। आपने जो कल रेसिपी बनवाई थी ना, मैंने आपसे कबाब का पूछा था, लखनवी कबाब, मैंने कल वो ट्राई किए हैं शाम में, यकीन करें माशाल्लाह से जैसे आपकी वो टीवी स्क्रीन पे उसका आ रहा था वैसे के वैसे ही बने हैं, बहुत अच्छे बने अल्हम्दुलिल्लाह। और नरम थे ना, सख्त तो नहीं थे ना? जी जी नरम थे। मैंने कहा, मैंने कल आपा से पूछा, मैं आज आपा को लाजमी बताऊंगी कि आपने बहुत अच्छा तरीका मेरी मुश्किल आसान कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कबाब में यही किया करो बेटा आप लोग, ओवर फ्राई। हम समझते हैं कीमा है, गोश्त है, देर से गलेगा, बर्गर का पैटी भी बनाते हैं, सिर्फ 8 मिनट के लिए फ्राई किया करो, 4 मिनट एक साइड पे, उसको फ्लिप करो, टर्न करो, 4 मिनट दूसरी साइड पे, आपके बर्गर इतने जूसी होंगे। और बाकी जो आपने जो कल चना, चटपटा चना जो बनाया था, इंशाल्लाह वो मैं आज ट्राई करूंगी। और जो आज आप चाइनीज पकौड़े बना रही हैं, चिकन चाइनीज पकौड़े, वो भी इंशाल्लाह मैंने आज ट्राई करने, क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, जरूर बनाना बेटा। और बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप जो दुआ करवाती हैं जुम्मे को वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, मुझे खास दुआओं में याद रखिएगा, मेरी शादी है। ठीक है, अच्छा बेटा, अल्लाह आपका नसीब बुलंद करे और आपके ससुराल वालों को आपका कदरदान बनाए। आमीन। और अपा आज के प्रोग्राम में कोई सवाल है? नहीं बेटा, आज कोई सवाल नहीं है। जज़ाकअल्लाह बेटा, जीते रहो बेटा। बेकिंग पाउडर चाहिए मुझे। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारा मिक्सचर तैयार है, तेल हमने चढ़ा दिया है डीप फ्राइंग के लिए। अब हम क्या करते हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, हम एक काम करते हैं, क्रिस्पी सॉरी क्रंची पास्ता बॉल्स का मैरिनेशन करते हैं। अच्छा देखें, इसके लिए आपको सब में छोटी टाइनी साइज़ की मैकरोनी चाहिए, 1 कप कच्ची, बॉयल होने के बाद वो फैल जाती है, फूल जाती है, 2 कप हो जाएगी, कच्ची 1 कप दीजिएगा। मैंने अभी, आपने अगर स्टार्टिंग के प्रोग्राम में शुरू में देखा होगा, तो यहाँ छोटी छोटी एल्बो मैकरोनी पड़ी थी, मुझे वो भी बड़ी लग रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इस मैकरोनी को चॉपर में करवा लिया। ठीक है, एक दफ़ा उसको मैंने चॉपर में डाला और बस एक दफ़ा प्रेस किया, फिर मैंने नहीं हुई सही, अभी भी मुझे थोड़ी मोटी लग रही थी, तो मैंने एक दफ़ा और डाला, उसको मिक्स कर दिया, प्रेस कर दिया, तो वो अच्छी हो गई। अब इसको हम बनाएंगे या चिकन टिक्का चंक से या मानसलवा की चिकन टिक्का बोटी से, आई एम यूजिंग बोटी, और इस बोटी को भी मैंने चॉपराइज कर लिया है। ठीक है, बड़ा प्याला लेंगे, ये देखिए मैंने चॉपराइज करवा के रख लिया ताकि मेरा टाइम बच जाए। आधा पैकेट चिकन टिक्का बोटी मानसलवा की चॉपराइज की, ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं मानसलवा के, कुछ भी ले लें, नगेट्स ले लें, वाव नगेट्स ले लें, फ्राइज़ ले लीजिए, चिकन फ्राइज़ ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, बेहतरीन है। इसके बाद में आपने इसमें मैक्रोनी डाल दी 2 कप उबली हुई, मैंने चॉपराइज करके डाली है। उसके बाद शेज़वान सॉस, मैंने आप लोगों को शो पे सिखाई है, पाउडर है ना, पाउडर है, ओके, 1 टेबल स्पून हीट, मैं थोड़ा सा और डाल दूँ, मैंने 2 लेवल लिए, ठीक है, ये डाल दिया आपने। उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करूं उतना उतनी ही कम है, बहुत अच्छी आप चीजें सिखा रही हैं, मैं तो साथ साथ नोट कर रही हूं, इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं रमजान में बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी बनाई हुई चीजें तो मैं बनाऊँ ना, तो मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, आपने ना स्विस रोल बनाने सिखाए थे, तो आपा मैंने वो क्रीम में आने थे ना, तो स्विस रोल थोड़ी क्रीम जो है ना थोड़ी सी खट्टी हो गई थी, तो स्ट्रॉबेरी का जो प्यूरी बनाया था ना उसमें चीनी तो नहीं डालनी थी? नहीं, चीनी अगर खट्टी हो गई है, आपको अगर खट्टी लग रही है तो आप डाल दो, चीनी को फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 टेबल स्पून डाल देती हैं आप।
अच्छा बिल्कुल बेटा, ये तो कॉमन सेंस है ना आपका। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लड़ा लेती कि भाई खट्टा हो रहा है, मैं क्या करूं, तो आप चीनी डाल दें 2 टेबल स्पून, खराब थोड़ी होगा। नहीं अम्मा, मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि वो खराब ना हो। नहीं नहीं नहीं, आपने चीनी नहीं डाल के खराब कर दिया है ना, खट्टा हो गया, किसने खाया होगा। ठीक है अम्मा, शुक्रिया बहुत। ओके जी। अच्छा देखें, इसमें जा रहा है बेकिंग पाउडर हमारे चाइनीज पकौड़ों में, 1/2 टीस्पून इटालिया का। अच्छा अब मैं कुछ भी नहीं फ्राइंग कर रही, मैं अपना चूल्हा बंद कर रही हूँ, बिकॉज ब्रेक आने वाली है, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने इसमें शेजवान सॉस डाल दी, नमक डाल दिया, और मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी 1 टीस्पून। अब यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है वाइट सॉस, वाइट सॉस मुझे इसमें शामिल करनी है 1/2 कप गाढ़ी गाढ़ी, ठीक है। वाइट सॉस डाल दी, क्रीम जाएगी इसमें 3 टेबल स्पून, तीन टेबल स्पून क्रीम चली गई, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इटालिया का ही ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, टिक्का चंक्स हम डाल चुके हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1/2 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरेंज कलर 1 चुटकी, ओफो ये ऑरेंज नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ, अच्छा बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑरेंज, ये गलती से पीला कलर आ गया, मैं नहीं डाल रही हूँ, इट शुड बी ऑरेंज, ओके। फिर इसमें हम डालेंगे तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, ये चला गया। और इसमें जाएगा कैबेज 1/2 कप चॉप्ड, शिमला मिर्च आधी चॉप्ड, कैरेट 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ, और सूरी की चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून। आप देखते हुए जाओ बिकॉज ब्रेक आ गई है, सिर्फ आप ये देखते हुए जाओ कि मैं इसमें सब्जियां डाल के इसको भी मिक्स करूँगी। बंद गोभी, शिमला मिर्च, आप परेशान नहीं हो, मुझे पता है मैं जल्दी जल्दी हूँ, लेकिन आप परेशान नहीं हो, वापस आके इसकी रेसिपी मैं रिकैप करती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, मैं इधर आप लोगों के लिए ही खड़ी हूँ, और आपको मैं एक दफ़ा सही तरह से क्रंची पास्ता बॉल्स का रिकैप दे रही हूँ। मुझे पता है नहीं समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अगर आपके शहर में पाकिस्तान से बाहर मान सलवा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? आप एक बड़ा मुर्गी का सीना जिसका वज़न 300 ग्राम जितना हो, उसको आप बॉईल कर लीजिएगा, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला और पानी 1 कप, और ज़रा सा अदरक लहसुन डाल के आपने उसको बॉईल कर लिया, इतनी देर बॉईल किया कि पानी खुश्क हो गया, चॉपर में डाला उसको, जिस तरह मैंने चिकन टिक्का बोटी श्रेड की उस तरह आपने श्रेड कर लिया। छोटे छोटे साइज की मैक्रोनी लीजिएगा, मुन्नी मुन्नी टाइनी वाली 1 कप, बॉईल होने के बाद वो 2 कप हो जाती है। फिर आप वो अगर इतनी बारीक होगी तो आपको चॉपर करने की ज़रूरत नहीं, मेरी थोड़ी मोटी लग रही थी, मैंने उसको भी चॉपर कर लिया। एक प्याले में आपने चिकन डाली, मानसलवा की टिक्का बोटी श्रेड चॉपराइज की हुई, पास्ता डाला चॉपराइज किया हुआ, शेजवान सॉस डाली। आपको अगर टाइम मिलेगा मैं बता दूँगी, बहुत आसान है बनाना।
1 टेबलस्पून आपने शेजवान सॉस डाली, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, वाइट सॉस गाढ़ी गाढ़ी बना के आधा कप, 1 टेबलस्पून मक्खन, 1 टेबलस्पून भर के मैदा, चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च, चुटकी भर मस्टर्ड पाउडर, ठीक है, आधा कप दूध, ये सब डाल के विस्क अपने हाथ में लिया और सॉस पैन में ये सारी चीज़ें डाल के कुक कर ली जब तक कि वो वाइट सॉस गाढ़ी हो गई। वो वाइट सॉस उसमें चली गई। टेट्रा पैक की क्रीम 3 टेबलस्पून या 2 डाल दीजिए। काली मिर्चें इटालिया की 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट इटालिया का 1/2 टीस्पून, ऑरेंज कलर मिल गया था मुझे, मैंने वो एक चुटकी डाल दिया। चीज़ क्यूब्स, पक्के चीज़ क्यूब्स भी आते हैं चकोर, वो मैंने 2 क्यूब्स लिए अभी खड़े खड़े, उसको मिक्स करके वो उसमें डाल दिया। और तंदूरी मसाला 1 टीस्पून हीप्ड, कैबेज बंद गोभी चॉप्ड आधा कप, गाजर कद्दूकस किया हुआ आधा कप, और आधी शिमला मिर्च छोटी छोटी चकोर कटी हुई, और सूरी की चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून। सब कुछ साथ डाला, मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया है ताकि थोड़ा सा वो होल्ड हो जाए, बॉल्स बनाने के काबिल हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने टॉपिंग के लिए, उसकी कोटिंग के लिए 2 अंडे लिए, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून दूध डाला और उसको मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स रखा हुआ है, ठीक है, ब्रेड क्रम्स से नहीं बनाना है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 60 रुपए का पैकेट मौजूद है, जापनीज ब्रांड है ये, और क्रिस्पी फ्राई का, तो ये पैकेट आप इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अंडे में और दूध और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में जाएगा, उसके बाद क्रिस्पी फ्राई में कोट होगा और हम इसको रीफ्राई। समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला है फिर से तो फिर आप आज का शो रिपीट में देखिए। अच्छा ये देखें चाइनीज़ पकौड़े, कुछ डिफरेंट करें ताकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी दुआएं मिलें और आप लोगों को भी दुआएं मिलें अपने घर वालों से। बहुत बनेंगे इतनी थोड़ी क्वांटिटी में इतने सारे, एक मुर्गी के सीने में। अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं बन रहे, बिखर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आप 1 टेबलस्पून भर के मैदा या कॉर्नफ्लावर और डाल दो बस, या पानी ना डालो। हमारे शो पे आज भी आइटल है, इसके वॉल 2 के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप तरावी भी डाउनलोड करके इसको सुन सकते हैं, ठीक है, USB पर, ब्लूटूथ के ज़रिए आप मक्का से मदीना से लाइव तरावी भी सुन सकते हैं। और जो घर में बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं, हाफिज़ कुरान हैं, वो इसके ज़रिए आराम से तरावी अपने घर में पढ़ा सकते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे बेहतरीन आवाज़ जाती है, बिकॉज इसका पावर आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ पे भी रखोगे ना, आवाज़ बहुत अच्छी जाएगी। इसको आप बैटरी के ज़रिए भी तरावी अटेंड कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। लोड शेडिंग के अंदर ये आपको बहुत काम आएगा, बिकॉज बैटरी ऑपरेटेड भी है। और इसकी कीमत सिर्फ 22,999 रुपये है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मुझे तो बहुत शौक़ है मक्का मदीने की तरावी सुनने का, पढ़ने का। अल्लाह ताला हम सब को पाक परवरदिगार हमारी आमीन सुन ले और हमें एक रमज़ान मुबारक वहाँ गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, हरम खोल दे हमारे लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें आप, देखें, लेकिन प्लीज़ इसको ये नहीं कि आपने 5 बजे से तल के रख दिए, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है।
ये मज़ा नहीं आएगा। अच्छा ये देखें नीचे का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ही रख रहा है, कोई बात नहीं मैं रोक रही हूँ और जब तक इसको निकालूंगी इसमें मैं 1 टेबलस्पून और इटालिया का कॉर्नफ्लावर या मैदा शामिल करती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है यहाँ पे आ चुकी है ब्रेक, आप 1 मिनट दे दो बेटा मुझे, मैं इसको ज़रा सा निकाल के दिखा दूँ। ये देखो ये देखें अभी हो ही नहीं है, टर्न कर लिया। ठीक है मेरे चाइनीज़ पकौड़े बेहतरीन तैयार हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब ये देखें माशाल्लाह कितने पकौड़े बन गए एक फैमिली के लिए, अगर 2-3 लोग हैं घर में तो रेसिपी को आधा कर लीजिए, लेकिन ज़ाहरी बात है जब बनता है तो आप नौकरों को भी देते हैं, आप पड़ोसियों को भी भेज देते हैं, आप मस्जिद में भी इफ्तार खुलवा देते हैं, तो ये क्वांटिटी अच्छी खासी माशाल्लाह बन जाती है। ये देखें ये देखें सर ठीक है ये हमारी हो गई है। अब मैं पहले एक काम करती हूँ, मैं आलू करती हूँ बिकॉज ये जो है ना मेरा पास्ता का क्रंची पास्ता बॉल्स, ये देखें हाँ माशाल्लाह ये भी हो गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर और छोड़ देती हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरह से फॉर्म करेंगे बॉल्स में। और इन चाइनीज़ पकौड़ों को आप सूरी की स्प्रिंग रोल सॉस मिलती है आपको बाज़ार में, उसके साथ सर्व करेंगे। ये देखें स्प्रिंग रोल डिपिंग सॉस बहुत मज़ेदार, भूल जाएंगे आप सारी चटनियों को। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम आपा, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, कौन बोल रही हूँ कहाँ से? मैं ज़ोरा जावेद बोल रही हूँ, शायद आप पहचान लें। हाय कैसी हो ज़ोरा? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं आपा कैसी हैं? आप वही है ना जो मेरी क्लास में आई थी? जी। मुझे आपको अपने शो पे बुलाना है, आपने क्या पापड़ बनाए थे, वाओ। अच्छा हाँ रमजान के बाद इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जरूर आपसे एक शो कराऊंगी पापड़ पे। ठीक है ओके आपा, ले आपा ना थोड़ा सा एहतियात क्या करें, आप जब आप फ्राई करते हैं ना तो आप थोड़ी एहतियात क्या करें। अच्छा मेरी जान बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपसे एक सरमाया है, आप ही से तो हम सीख के इतना कुछ आगे बढ़े। बड़ी मेहरबानी बेटा, आप लोगों की मोहब्बत है बस, थैंक यू सो मच। आपा आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें, और आप अपना जो है ना जरूर बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि आप है ना माशाल्लाह आप नहीं, आपको नहीं पता आप क्या है हमारे लिए। मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी, जीते रहिए खुश रहिए। अब आ जाइए आप चाइनीज़ स्टाइल के आलू, चाइनीज़ स्टाइल पोटैटोस, खट्टे आलू को भूल जाएंगे आप, मेरी गारंटी है। अब प्लीज़ ये गरम गरम फ्राई कीजिए, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बन गए। और ये देखें स्प्रिंग रोल डिपिंग सॉस सूरी कंपनी की, उसके साथ आपने इसको अल्हम्दुलिल्लाह पेश करना है। ठीक है ओके आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन कॉलर है मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आप जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं?
अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने और माशाल्लाह काफी साल हो गए आपको देखते हुए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और आपकी रेसिपी से ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, वाओ, किचन गॉसिप्स के नाम से। क्या बात है, और नाम भी चुन के रखा है भाई, गॉसिप्स। वाह जी आपा, बस रमजान की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा रही हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, इसके लिए हम अपना इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल क्यों ज़ाया करें, हम इसमें से लेंगे दो स्पून ऐसे या हाफ कप, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी, अच्छा इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई बीन सो लकी, मुझे जैसे आलू चाहिए थे वैसे ही मिल गए, बेबी पोटेटोस, ठीक है। ये 1 किलो बेबी पोटेटोज़ हैं, इसको मैंने बॉईल किया, पहले अच्छी तरह धो के बॉईल किया, बॉईल करने के बाद छिलके उतारें, शुरू में छिलके उतारेंगे तो आलू बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो बॉईल हो जाते हैं ना तो आराम से आप खींच लो, ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा कुटावा लहसुन बहुत सारा, ये देखें 4 टेबल स्पून, फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें चॉप्ड, ये रही मोटी वाली, तेज़ वाली 2 डाल दीजिए, चॉप चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारी सीजनिंग्स और बॉइल्ड पोटैटो। सीजनिंग में जाएगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून, डार्क वाली नहीं प्रीमियम वाली, सिरका 2 टेबल स्पून, इसी में ही डाल रही हूँ मैं बिकॉज मुझसे कहा जा रहा है ब्रेक है। अच्छा, इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ, सिरका चला गया, तंदूरी कलर ये रखा हुआ है पिंच, ठीक है। तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ साथ, ताकि हमारा ये जल ना जाए मसाला, ठीक है। उसके बाद चिकन पाउडर इटालिया कंपनी का 1 टेबल स्पून, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे, ये हो गया, आलू डाल दीजिए, स्वीट चिली सॉस 1/2 कप, स्वीट चिली सॉस, ठीक है, 1/2 कप जा रही है। फिर इसमें स्टॉक डालूंगी, नहीं मेरे पास स्टॉक नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं पानी डालूंगी, क्यों, इसलिए कि मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है ना, तो उसका स्टॉक का मज़ा आ जाएगा। 1 कप पानी डाल रही हूँ, और जब पानी बॉईल हो रहा होगा तो इसको हम गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लावर के पेस्ट के साथ, आप ये इतने मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, 1 प्याज बड़ी लीजिएगा, गोल स्लाइसेस में काटेंगे और उसको बीच से फिर हम हाफ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी प्याज अभी थोड़ी सी ऊपर डिश में जाएगी, और मैं इसको बस गाढ़ा करती हूँ, जैसे ही इसमें उबाल आएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर से इसको हम गाढ़ा करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे चाइनीज़ पकोड़े, हमारे चाइनीज़ स्टाइल
आलू बेहतरीन से ये दोनों चीज़ें आपकी रेडी हो चुकी हैं, आपको बहुत मज़ा देगा, प्लीज़ ज़रूर बनाइए। चाइनीज़ स्टाइल पोटैटोस तो बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने अंडा, कॉर्नफ्लावर और दूध मिक्स किया, ये बॉल्स पास्ता बॉल्स बना के उसमें हमने डिप किया, ब्रेड क्रम्स में हमने रोल किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे आपको क्रिस्पी फ्राई से भी बताना है, उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेड क्रम्स की। ₹60 के पैकेट में आपका सब कुछ बन जाएगा। क्रिस्पी फ्राई का ₹60 का पैकेट, बेहतरीन हर चीज़, हर मसाला इसमें मौजूद है और विदाउट MSG, इसमें कोई भी वो नहीं है। अजीनोमोटो शामिल नहीं है, बस इसको तो आपको डालना है और निकालना है और तेज आंच पे फ्राई करना है और सिंगल लेयर में फ्राई करना है, एक के ऊपर एक ना आए। खूबसूरत सा माशाल्लाह, दे दो बच्चा इधर रख दो। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए, ये अंडा, दो अंडे लिए थे, 1 tablespoon heaped cornflour, 1 to 2 tablespoon दूध डाला। अच्छा, अंडे में डिप करेंगे, क्रिस्पी फ्राई के मिक्सचर में इसको कोट करेंगे। अंडा, बस अब मेरा वो रह गया है सिर्फ, वी आर डन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रह गया है, मैंडरिन शेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हो? मैं भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लग रही हैं, ये हफ्ता कैसा लग रहा है? आंटी बहुत अच्छा लग रहा है, रमजान के हवाले से आप जितनी रेसिपीज बना रही हैं बहुत अच्छी बना रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ट्राई जरूर करना बेटा इंशाल्लाह। आंटी आपने वो जो काले चने की चाट बनाई थी ना, वो मैं जरूर ट्राई करूंगी, मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो आप आगे भी है ना रेसिपीज में ही शामिल कीजिएगा, डिफरेंट तरह की आप बनाइएगा, जैसे रेड बीन्स में और व्हाइट बीन्स में भी सिखाइएगा। ओके 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 डन। और आंटी मुझे आप ये बताइएगा, रेड बीन्स भी हम बगैर सोडा डाले उसको रखते हैं? हाँ, नहीं, करते हैं। आप सोडा बेशक डाल दो, लेकिन वो पानी साफ धो के और फिर बनाओ और पकाओ उसको। ठीक आंटी, मैं इंशाल्लाह से ना जरूर ट्राई करूंगी, ये तो मैं भाई को जरूर बना के दूंगी, मेरे भाई को बहुत पसंद है। जरूर जरूर, और वो व्लॉग भी बहुत अच्छे रहे थे, और माशाल्लाह आज भी आज पकोड़े बना रही हैं, क्योंकि रमजान में तो पकोड़े बनते ही हैं तकरीबन हर किसी के घर में। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर ये है कि जरूर ट्राई करूंगी। और आंटी रमजान के हवाले से कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में एक बार फिर माह रमजान मुबारक करीब आ रहा है, अल्लाह करीम हम सबको खैरियत से माह रमजान तक पहुँचाए और इस माह रमजान की बरकतें और रहमतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया फिरोजा, जीते रहिए, खुश रहिए।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। ये बहुत हैवी शेक नहीं है, ये बहुत थिक शेक नहीं है, ठीक है। ये बिकॉज इसमें कोई फ्रूट नहीं है, ठीक है। इसमें आइसक्रीम है। दूध डाल लीजिए आप, पहले बर्फ़ डाल लिया, दूध डाल लीजिए, ये ज़्यादा है, 2 कप जितना आपने दूध डाला। ऑरेंज जूस डाला 3/4 कप, ये ऑरेंज है। मैंगो जूस डाला 1/2 कप। जब मैंगोज़ का सीज़न होगा और अगर आपके पास ताज़ा आम है तो मैंगो प्यूरी डाल दीजिएगा। वेनिला आइसक्रीम 4 स्कूप्स एंड ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर। बहुत सख्त हो गई। और ये आप अजान के टाइम पे बनाएंगे प्लीज। मुझे पता है अजान का वक्त ऐसा होता है जिसमें सारी दुआएं हमारी अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, लेकिन जब आप काम भी कर रहे हो ना, कोई चीज़ मुंह से बोला नहीं करें, बस दुआएं मांगते रहें उस वक्त भी। बिकॉज हम लोगों के लिए टेबल पे बैठ जाना, जिसकी माशाल्लाह बच्चे हैं, फैमिली है, मियाँ हैं, तो ये इम्पॉसिबल नहीं होता। तो उस वक्त भी आप बात ना करें, आप दुआएं मांगते रहें। लेकिन ये आप बनाएंगे बिल्कुल अजान से 1 मिनट पहले। चार स्क्रूप या 1/2 लीटर वेनिला आइसक्रीम, ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर, नो शुगर नथिंग, जूस है दोनों और वेनिला आइसक्रीम। इतनी देर ब्लेंड करना है कि वो बर्फ की खरखराहट खत्म हो जाए। थिक शेक नहीं है ये। Smells lovely. इसकी सर्विंग 4 है। ठीक है जी, हम अपने आज के शो से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो चुके हैं। 4 चीज़ें बनाई थी हमने, चारों टेबल पे हैं इसके साथ, और वक्त भी आ चुका है रिकैप का। तो आप आज का रिकैप चल के देखिए, ताकि आपको जो चीज़ आपसे मिस हो गई हो ना, वो आपको समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद।
क्रंची पास्ता बॉल्स अज्जा, उबली टनी मैक्रोनी 2 कप, शिजवान सॉस 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, व्हाइट सॉस 1/2 कप, क्रीम 3 खाने के चम्मच, पिसी काले मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, टिक्का चंक्स 1/2 पैकेट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चाय का चम्मच, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, चीज़ 2 क्यूब्स, क्रीम 1 खाने का चम्मच, तंदूरी मसाला 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी बंद गोभी 1/2 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1/2, कद्दूकश गाजर 1/2 कप, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। कोटिंग के लिए सूरी ब्रेड क्रम्स हसबे ज़रूरत, पिटे हुए अंडे 1 से 2 अदद। तरकीब, चिकन टिक्का चंक्स को चॉपराइज्ड कर लें, तमाम अज्जा को मिक्स करें, अब अंडों को फेंट कर 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 खाने का चम्मच दूध, नमक, स्वीट चिली सॉस, पिसी काली मिर्च और ब्रेड क्रम्स से पास्ता बॉल्स को कोट करें, उसके बाद गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। मैंडरिन शेक अज्जा, ठंडा दूध 2 कप, ऑरेंज जूस 3/4 कप, मैंगो जूस 1/2 कप, वनीला एसेंस 4 स्कूप्स, कुटी बर्फ 1 कप, पुदीने के पत्ते हसबे ज़रूरत। तरकीब, तमाम अज्जा को ब्लेंड कर लें, फिर पुदीने के पत्तों के साथ सर्व करें। चाइनीज़ स्टाइल पोटैटोज अज्जा, उबले छिले आलू 1 किलो, तेल 1/2 किलो, कटा लहसुन 4 खाने के चम्मच, कटी हरी मिर्च 2 अदद, स्वीट चिली सॉस 1/2 कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, तंदूरी रंग 1 चुटकी, तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, स्टॉक 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, कटी शिमला मिर्च 1 कप, कटी प्याज 1 अदद, हरी प्याज के पत्ते 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच। तरकीब, तेल गर्म करके कटा लहसुन फ्राई करें यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाए। अब इसमें कटी हरी मिर्च, स्टॉक, स्वीट चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, उबले छिले आलू, चिकन पाउडर, पानी के साथ कटी प्याज और कटी शिमला मिर्च शामिल कर दें। जब मिक्सचर उबलने लगे तो कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा कर लें। आखिर में हरी प्याज के पत्तों से गार्निश करके गर्म सर्व करें। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। वक्त से पहले तमाम एहतमाम इफ्तार का आप लोगों के लिए सामने है आपके, और हमने बनाया पास्ता, क्रंची पास्ता बॉल्स, अंदर से इतने मुलायम के मेल्ट हो रहे हैं और ऊपर से क्रंची एंड क्रिस्पी, ठीक है। और चाइनीज़ स्टाइल पकौड़े बनाए और चाइनीज़ स्टाइल हमने आलू बनाए, बहुत मज़े की चाट की तरह आप इसको खाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। और मैंडरिन शेक, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला कल भी कुछ बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, वेरी डिफरेंट इन फैक्ट, तो साथ दीजिएगा मेरा 11 से 12:30 बजे तक। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना, अपने घर वालों का, सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए
आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।